Dear students, we are going through the second chapter of 10th class and the title is A Long Walk to Freedom. This chapter has been written by Nelson Mandela. This is a biographical lesson by Nelson Mandela. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स. सो यहाँ पर हमें पता चलता है स्पेक्टेकुलर एरे का मतलब होता है एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले. और जो ट्रुप्स होते हैं वो ट्रुप कैरियर, ट्रुप मीन्स होता है अ यूनिट ऑफ सोल्जर्स. और यहाँ पर जो नेल्सन मंडेला है वो हमें बताना चाहते हैं कि स्काई के अंदर, आसमान में जो हेलीकॉप्टर्स थे वो एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर वहाँ पर उड़ रहे थे, एक फॉर्मेशन वो वहाँ पर बिल्ड कर रहे थे. एंड देवर द पर्टिकुलर डिस्प्ले, देयर फॉर्मेशन एंड देयर डिस्प्ले वॉज माइंड ब्लोइंग. दैट वॉज वेरी नाइस, वेरी अट्रैक्टिव. इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी to a new government that had been freely and fairly elected. ये जो यहाँ पर नेल्सन मंडेला ही बताना चाहते हैं, पिन पॉइंट प्रिसीजन का मतलब यह है एकमात्र एक्यूरेसी अथवा मिलिट्री फोर्स का ही डिस्प्ले नहीं था बल्कि यह मिलिट्री की लॉयल्टी डेमोक्रेसी के प्रति और एक ऐसी नई गवर्नमेंट के प्रति जो बिल्कुल फ्रीली और फेयरली इलेक्ट हुई थी, जिसको चुना गया था, उसके प्रति वफादारी का प्रदर्शन था, डिस्प्ले था. ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट बीडेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय सैल्यूटेड मी एंड प्लेज देयर लॉयल्टी. कुछ समय पहले ही जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के जो सबसे बड़े ऑफिसर्स थे, जनरल्स थे, पुलिस के डिपार्टमेंट के जो अफसर थे, उनके जिनके चेस्ट के ऊपर रिबन्स लगे हुए थे, मेडल्स लगे हुए थे, यहाँ पर बीडेक का मतलब होता है डेकोरेटेड विद, वो कहता है कि जो बीते दिनों के जो याद दिलाते थे उन लोगों ने मुझे सैल्यूट किया और अपनी वफादारी, अपनी लॉयल्टी का जो है उन्होंने प्लेज लिया. प्लेज का मतलब यहाँ पर होता है टेक एन ओथ, सौगंध लेना. आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी. यहाँ पर कहता है कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी खबर नहीं थी, अवेयर नहीं था इस बात का तथ्य का मुझे पता नहीं था कि कुछ समय पहले तक ये वही लोग थे जो मुझे सैल्यूट नहीं करते थे बल्कि मुझे उन्होंने गिरफ्तार किया होता, सैल्यूट करने के बजाय मुझे गिरफ्तार किया होता, ये वही लोग थे. फाइनली शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक. शेवरन मीन्स अ पैटर्न इन द शेप ऑफ अ वी. वी इज़ द साइन ऑफ विक्ट्री. आखिरकार इम्पाला जो जेट्स थे, एरोप्लेन्स थे, उन्होंने एक वी पैटर्न बनाया और उनकी जो स्मोक थी, जो धुआं थी, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग. और साउथ अफ्रीकन फ्लैग के जो फ्लैग के अंदर जो कलर्स थे उन कलर्स की वो स्मोक वो एमिट करते हैं. तो यहाँ पर जो नेल्सन मंडेला है ये बताना चाहते हैं हमें कि इस प्रकार से जो एरोप्लेन्स ने और जो हेलीकॉप्टर्स ने वहाँ पर जो परफॉर्म किया, दैट वाज माइंड ब्लोइंग. जो ऑफिसर्स थे वो लॉयल्टी शो कर रहे थे, वो अफ्रीकन सोइल के प्रति जो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको दोहरा रहे थे, रिकॉल कर रहे थे. अब आगे पढ़ते हैं. द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर नेशनल एंथम्स, टू नेशनल एंथम्स and the vision of white singing Nkosi Skill Africa and black singing Die Stem, the old anthem of the republic.
Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised. Despised means had a very low opinion of. तो नेल्सन मंडेला ये बता रहे हैं यहाँ पर कि उस दिन टू नेशनल एंथम्स वर प्लेड, वन फॉर द ब्लैक एंड वन फॉर द वाइट, और उन दोनों में से कोई भी एक दूसरे के लिरिक्स को नहीं जानता था, ना ही उनको समझ थी इस बात की, क्योंकि वो दूसरों के बारे में थोड़ा सा उनका जो ओपिनियन था वो हल्का ओपिनियन था, यानी कि वो एक दूसरे को जो है अंडर एस्टिमेट करते थे, इस वजह से उनके लिरिक्स भी उनको याद नहीं थे. They would soon know the words by heart. लेकिन वो कुछ समय जल्दी ही उनको जो है ये उनको काफ़ी दिल से याद हो जाएगा, पक्का याद हो जाएगा. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. कहता है कि उस दिन inauguration opening ceremony वाले दिन मैं history की एक अच्छी समझ के साथ भर गया, गदगद हो गया. ओवरवेलम का मतलब होता है गदगद होना, ओवरफ्लो होना, टू बी इन एक्सेस. इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर एंड बिफोर माय ओन बर्थ, कहता है कि मेरे जन्म से कुछ समय पहले जो अंग्रेज़ों और अफ्रीका के बीच में जो युद्ध हुआ था, बीटर का मतलब होता है काफ़ी कड़वाहटपूर्ण, काफ़ी हार्श, उससे जन्म से कुछ समय पहले जो युद्ध हुआ था उसकी कुछ यादें जो हैं इसके दिमाग में वो ताज़ा हो गई सारी चीज़ें. एंड द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पेस्ट अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड. और इसके बाद में जो गोरी चमड़ी वाले जो लोग थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने पैचअप किया अपने जितने डिफरेंसेस थे, जो मतभेद थे उनको पैचअप किया, और उन्होंने एक ऐसे रेशियल डोमिनेशन सिस्टम को इरेक्ट किया जिसमें वो हो गया था इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, जिसमें अपनी ही मातृभूमि के जो काली चमड़ी वाले जो लोग थे, जो काले लोग थे, उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट में उन्होंने रेशियल डोमिनेशन को खड़ा कर दिया. इसका मतलब जब युद्ध जन्म से कुछ समय पहले तक, इसके जन्म से यहाँ पर नेल्सन मंडेला के जन्म से कुछ समय पहले ही जो गोरे लोग थे उन्होंने अपना डोमिनेशन वहाँ पर जो है एस्टेब्लिश किया था, और उन्होंने ब्लैक पीपल के अगेंस्ट में जो है इस प्रकार के अपार्थाइड की जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसको इम्पोज किया था, और इस वजह से उनके साथ में वो पार्शलिटी कर रहे थे. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन. और जो स्ट्रक्चर उन्होंने गोरे लोगों ने जो क्रिएट किया था, जो फॉर्म किया था उसमें, जिसकी जो उसका आधार क्या था, सबसे कठोर, सबसे अमानवीय ऐसा समाज की नींव उन्होंने रखी जो कि संसार ने पहले शायद ही कभी जाना हो, यानी कि उन वाइट पीपल ने अफ्रीका के अंदर अपनी सुप्रीमेसी को शो करने के लिए, अपने डोमिनेशन को शो करने के लिए इस प्रकार से जितने भी अमानवीय तौर तरीके थे वो सारे अपनाए, और उन्होंने एक्सप्लोइट करना स्टार्ट कर दिया काले लोगों को. नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever. लेकिन कहता है कि अब जो ये सिस्टम है बिल्कुल बदल गया है, overturn होता है पलटना, अब बिल्कुल पलट गया है, and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of color of their skin. अब कहता है कि ऐसा सिस्टम अफ्रीका के अंदर हो गया है जो कि सभी के राइट्स को रिकग्नाइज़ करेगा बिना किसी भेदभाव के, यानी सभी लोगों को बराबरी का मौका मिलेगा, बराबरी के राइट्स मिलेंगे सभी को, इक्वल राइट्स मिलेंगे विदाउट एनी पार्शलिटी ऑफ देयर कलर ऑफ देयर स्किन. दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल.
people whose suffering and craze can never be counted or repaid. कहता है कि वो दिन ऐसे ऐसे नहीं आया, उसके लिए बहुत सारे sacrifices. कहता है कि नेल्सन मंडेला कहते हैं कि यहाँ पर मेरे राष्ट्र के, मेरी जन्मभूमि के, मातृभूमि के हज़ारों जो अनइमेजिनेबल जो sacrifices थे, जो बलिदान थे, और उन लोगों की जो पीड़ा थी, उनका जो साहस था, जिनको हम कभी भी जो है हम काउंट नहीं कर सकते, जिसको हम रिपे नहीं कर सकते, जो बलिदान उन्होंने दिया बहादुरीपूर्ण, उसकी वजह से ये दिन आया है. आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी. यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहता है कि ऑल्दो द क्रेडिट गोज़ टू मी बट आई एम सम ऑफ द सेक्रीफाइसिस ऑफ ऑल द फ्रीडम फाइटर्स हु रेज देयर वॉइस बिफोर मी. कहता है कि मैं सिर्फ एक उनमें से एक हूँ जो मेरे से पहले जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने अपार्थाइड के अगेंस्ट में अपनी वॉइस को रेज किया था, उनका ही टोटल रूप मैं हूँ. कहने का मतलब क्या है कि मैं भी उनमें से ही एक हूँ, यानी कि मैं भी उन्हीं की वॉइस हूँ. उन्हीं ने जो ओपिनियन जो दिया था, उसी ओपिनियन को मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ. दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी. आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वट देर सेक्रीफाइस हैड रॉट. यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मुझे इस बात का दुख है कि वो कभी भी मैं उनको अब थैंक नहीं कर पाऊँगा, थैंक्स नहीं कह पाऊँगा, और कभी भी वो देख नहीं पाएंगे कि उनके जो बलिदान थे, जो सेक्रीफाइसेस थे, उससे क्या हासिल हुआ है, क्या मिला है. द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल. अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी, उसने मेरे देशवासियों में और मेरे देश में ऐसे घाव पैदा कर दिए थे, ऐसे गहरे घाव बना दिए थे जो कि लास्टिंग थे, अंत समय तक चलने वाले थे, अनंत समय तक, लंबे समय तक. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट. और हम सभी को बहुत कई साल लग जाएंगे, कई वर्ष लगेंगे, अगर पीढ़ियां नहीं तो कई साल लग जाएंगे उस प्रोफाउंड का मतलब डीप, उस डीप हर्ट से, उस नुकसान से भरपाई के लिए बहुत समय लग जाएगा, कई वर्ष लग जाएंगे. बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट. लेकिन इस ऑपरेशन का, इस अत्याचार का, इस दमन का और इस ब्रूटैलिटी का मतलब इस क्रूरता का जो ये दशक था, इसमें इसका एक अनइंटेंडेड इफेक्ट था, एक सहज इफेक्ट था, प्रभाव था. And that was that it produced the Oliver Tambo's, the Walter Sisulus, the Chief Luthulis, the Yusuf Daudus, the Bram Fishers, the Robert Sobukwes of our time, men of such extraordinary talent. Mean to say, यहाँ पर Nelson Mandela कहना चाहते हैं कि उसी अत्याचार की वजह से, उस अत्याचार का ये आउटकम निकला कि इसकी वजह से ये इतने ज़्यादा साहसी लोग पैदा हुए, इतने ज़्यादा ये लोग जो है साहसी बन पाए, जिनमें से जो मैंने आपको नाम बताए हैं, ये लोग अफ्रीकन सोइल के ऊपर जो है, अफ्रीकन सोइल मिट्टी में पैदा हुए ये लोग, जिनमें आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं, इस तस्वीर में आपको साफ दिख रहा है, ये लोग जो हैं, ये सारे वो लोग हैं जो अपार्थाइड के अगेंस्ट जिन्होंने अपने वॉइस रेज किया था, अपनी आवाज़ उठाई थी, और इन सब में जो हिम्मत और जोश जो है वो अत्याचार के कारण ही हुई थी. कहते हैं कि जब किसी को ज़्यादा दबाया जाता है तो उतना ही वो स्ट्रोंग बन जाता है, और ये लोग भी ऐसे ही हुए कि समय के साथ साथ अत्याचार झेलते हुए ये भी निखर करके बिल्कुल सोने की तरह खड़े हो गए थे, और इन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया था. क्रेज विजडम एंड जेनरसिटी दैट देयर लाइक मैनी नेवर बी नोन अगेन. उनके जैसे क्रेज विजडम उदारता, जेनरसिटी मीन्स उदारता, काइंडनेस,
जो है वो कभी भी दोबारा से जानी नहीं जाएगी। यानी कि जो इतने टैलेंट उन्होंने, जो वर्च्यूज़ हैं जो एक नोबल पर्सन में पाए जाते हैं, मिलते हैं, वो कहता है कि ऐसे साहस, ऐसे गुण दोबारा से शायद ही कभी जाने जाएं, ऐसे गुण उन लोगों के अंदर थे। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character। शायद कहता है कि इस प्रकार के गहरे अत्याचार की रिक्वायरमेंट होती है इस प्रकार के हाईएस्ट कैरेक्टर को क्रिएट करने के लिए। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its the greatest wealth is in its people, finer and truer than the purest diamonds। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरे देश के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं जो मिट्टी के अंदर दबे हुए हैं, ऐसे जेम्स हैं जो काफ़ी प्राइसलेस हैं, जो मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं, लेकिन मेरे देशवासी जो हैं वही मेरी सबसे महान दौलत है, सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ है, जो और भी ज़्यादा निखरे हुए हैं और सच्चे हैं, और सबसे ज़्यादा शुद्ध जो डायमंड हैं, जो हीरे हैं, उनसे भी ज़्यादा सच्चे और निखरे हुए हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. ये struggle के अंदर ये सभी लोग थे, जो सभी लोग मेरे साथी थे, जिनसे मैंने साहस का meaning समझा, जाना, और समय समय पर मैंने men, women को देखा खतरा उठाते हुए और एक विचार के लिए अपनी जान को न्यौछावर करते हुए देखा। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटते हुए मैंने व्यक्तियों को देखा है कि वो अटैक्स और टॉर्चर के अगेंस्ट खड़े रहे, उनको झेला, टॉर्चर को झेला बिना झुके हुए। ब्रेकिंग का मतलब यहाँ पर होता है मेंटली एंड फिजिकली ब्रेक करना, अपना हौसला जो है यहाँ पर डाउन करना। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेसिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। रेसिलेंस का मतलब यहाँ पर है द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स। तो यहाँ पर कहता है कि मैंने एक ऐसी ताकत को उन्होंने जो है शो किया था, और एक ऐसी कैपेसिटी, एबिलिटी को शो किया था जो कि कल्पना से परे थी। आई लर्न दैट क्रेज वॉज नॉट द एबसेंस ऑफ फियर। मैंने जाना कि साहस का मतलब डर की अनुपस्थिति नहीं है, बट द ट्राइम्प ओवर इट, लेकिन इसके ऊपर विक्ट्री है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। एक ब्रेव मैन वो नहीं होता जो अफ्रेड नहीं होता, जो डरता नहीं है, बट ही Who conquers that fear? लेकिन वो होता है जो उस डर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, conquer कर लेता है, win over कर लेता है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background। कोई भी व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति से स्किन के कलर के हिसाब से, उसके बैकग्राउंड के हिसाब से किसी से नफरत करता हुआ पैदा नहीं होता। यानी कि कोई जन्म से किसी दूसरे को नफरत नहीं करता। और हिज रिलीजन, और या अथवा उसके रिलीजन के आधार पर, पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। उनको नफरत करना सिखाया जाता है, नफरत करना वो सीखते हैं, और जब नफरत करना सीख सकते हैं तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। क्योंकि ह्यूमन हार्ट में जो लव है ये नेचुरली आता है, स्पॉन्टेनियसली आता है, हेट की बजाय, नफरत की बजाय। क्योंकि कहा जाता है कि जो लव है वो एक प्राकृतिक गुण है जो भगवान के द्वारा हमें दिया जाता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स आई वुड सी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। तो यहाँ पर जो नेल्सन मंडेला वो कहते हैं कि ग्रीमेस्ट, जो हार्डेस्ट जो टाइम था प्रिजन के अंदर, उस समय जब मेरे साथी
और हम और जो नेल्सन मंडेला के साथी थे और नेल्सन मंडेला खुद को भी, जब इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, आउट ऑफ लिमिट जब इनको टॉर्चर किया गया, तो कहता है कि मुझे एक गार्ड के अंदर भी ह्यूमिनिटी की एक झलक मुझे वहाँ देखने को मिली, प्रैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। हालांकि ये जो झलक थी, ग्लिम्स थी, ये एक क्षण के लिए थी, लेकिन इससे मुझे इस बात को जो है, मुझे श्योरिटी हो गई थी इस बात की, इस बात से मुझे आश्वासन मिला था कि ये बात सही है कि मानवीय गुण है, वो कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए जो है धूमिल हो सकते हैं, लेकिन इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम, मनुष्य की जो अच्छाई है वो एक ज्योति की तरह होती है, एक फ्लेम की तरह होती है, एक लो की तरह होती है, दैट कैन बी हिडन बट नेवर डिस्टिंगाइज्ड, जो छुपी हुई हो सकती है लेकिन कभी बुझ नहीं सकती। तो इस तरीके से हम देखते हैं, दिस इज़ द यहाँ पर इतना ही हम करेंगे, नेक्स्ट पार्ट विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू विल लाइक इट एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एसेंस एंड द लाइन टू लाइन रीडिंग वेरी वेल। And if you have any problem, if you have any type of problem you are facing, please let me know and subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.